हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर आरओजी गेमर में। और आज मैं करने वाला हूँ रिव्यू इस असुस आरओजी फोन 2 का रिव्यू है आज ये। तो आज इसके कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे पहले कुछ बुरी बातों के बारे में बात कर लेता हूँ। तो एक प्रॉब्लम जो मैंने पहले फेस की, अभी भी फेस कर रहा हूँ, वो है कि जब भी मैं पबजी खेलता हूँ, 1 से 2 घंटा अगर मैं खेल लेता हूँ, तो फ़ोन को जब मैं देखता हूँ तो वो 90 हर्ट्स में मेरा फिक्स हो जाता है। पहले तो ये था, मेरा 90 हर्ट्स में फिक्स हो जाता था, फिर वो ना मैं 60 हर्ट्स ना 120 हर्ट्स किसी में चेंज नहीं कर पाता था। तो मेरे को इसको रिस्टार्ट करना पड़ता था, तो उस टाइम मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। फिर एक नए अपडेट में उसकी ये प्रॉब्लम तो फिक्स होगी, लेकिन 90 हर्ट्स वाली प्रॉब्लम है, लेकिन उसको अब मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अपने आप ही कभी कभार ये एडजस्ट हो जाता है 120 हर्ट्स में फिर से 90 हर्ट्स से। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जो मैंने अभी फेस की थी रिसेंटली, कुछ टाइम पहले। और एक और प्रॉब्लम जो मैंने फेस की, जब मैं वीडियो देखता हूँ तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है, जैसे हम लोग का पकड़ने का पोस्चर है ये, तो कभी कभार यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर बनने की वजह से इसका एक्स मोड ऑन हो जाता है, जिससे मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसका मैंने को सेंसर ऑफ करना पड़ता है यहाँ से, एयर ट्रिगर वाला। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मेरे को फेस हुई हैं। और इसका ये कवर तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ए है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे का ग्लास काफ़ी गंदा हो जाता है इससे। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने फेस की। अब इसके अच्छी चीज़ों के बारे में जैसे बात कर लेते हैं, तो इसकी फेस आईडी भाई बहुत तेज़ है इसका, जैसा कि आप देख सकते हो। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफ़ी फास्ट है इसका, कैमरा बहुत फास्ट है इसका। और इसके वॉलपेपर्स में कुछ ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स में इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि क्या बताऊँ मैं। जैसे कि यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, यहाँ पे इतना छोटा सा वॉलपेपर में भी इतना ध्यान दिया गया है। और इसके लाइव वॉलपेपर है, जो इसमें कितनी अच्छी डिटेलिंग है, ये सब कुछ अच्छे फीचर हैं। और इसका मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ ये लगा कि इसका मतलब अपडेट इसका रेगुलर है, मेरा 1 महीने में अपडेट आ जाएगा, आता है इसका। बेसिकली मेरा 1 महीना हुआ, तो 1 महीने के अंदर ही मेरा एक अपडेट आ गया था इसका नया। तो अभी फिर से इसका नया अपडेट आने वाला है कुछ दिन में। तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे इसके। और इसमें भी मैंने आर्मरी किट में कुछ नए नए फीचर नोटिस किए हैं, जैसे कि मैं अब इसका एडवांस सेटिंग में जाके मैं कई सारे फीचर्स ऑन कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि म्यूजिक सुन रहा हूँ तब भी पीछे की ये आरओजी वाली लाइट जले, तो ये भी मैं ऑन कर सकता हूँ। और स्क्रीन ऑन ऑफ में भी मैं ऑन कर सकता हूँ किसी के सामने थोड़ा भौकाल मारना हो। तो कुछ ऐसे फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ये सब मैंने फीचर्स अभी देखे हैं मैंने कुछ टाइम पहले। चार्जिंग के टाइम भी आप ऑन कर सकते हो ये सब। अगर आपको बैटरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ज़्यादा बैटरी कंज्यूम हो रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आप यूज़ कर सकते हो, वरना थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होगी इसकी बैटरी, उतना नहीं है। और एक चीज़ मेरे को प्रॉब्लम हुई इसकी, भाई कभी कभार ना ऐसा होता है कि इसको निकाल के रखा भूल गया, तो खोने का बहुत डर है इसका। तो इस चीज़ का मेरे को काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, आपको भी देना चाहिए। एक बार तो मेरा खो भी गया है ये, मैंने दूसरा ख़रीदा है इसका, 300 रुपये को मेरे ये पड़ा इसका रबड़ वाला एक ठो ये। तो यार इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आप लोग को भी देना चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हो ये सब गेम्स मैंने ऐप्स डाउनलोड किए हुए हैं, और भाई परफॉर्मेंस में तो कोई मतलब कोई दिक्कत ही नहीं, इतना स्मूथ फ़ोन है ये, क्या बताऊँ। इसकी कोई ज़्यादा खामियां तो नहीं है, हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं बोलना चाहता था, बताना चाहता था आपको, कि आपको भी पता चले ये सब भी, हाँ ये सब प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो यही तो मेरा एक शॉर्ट सा रिव्यू था ये 1 मंथ का बेसिकली। तो होप यू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद दोस्तों।